ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में देश के ज्यादातर राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा, राजस्थान और एमपी और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की जानकारी यहाँ पर दी है। वही मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक सहित देश के कई राज्यों में आज से अगले 2-3 दिन तक बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं कई जगह बारिश के साथ गर्जन और तेज हवा चलने की संभावना भी यहां पर जताई गई है। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी एवं मध्य यहां पर भारत यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्सों में और इसके अलावा तेलंगाना, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और हरियाणा, हिमाचल और इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरल, मराठवाड़ा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम तो एक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही पंजाब और राजस्थान के शेष हिस्सों और दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश और एमपी के शेष हिस्सों में और मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और इसके अलावा लक्षद्वीप, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वही पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो उपमाने पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और गंगी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के तरहती और बिहार के कुछ हिस्सों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी यहाँ पर दी गई है, यानी कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बात करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दरअसल एमपी में लगातार मौसमी बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने एमपी के 18 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है, यानी 18 जिलों में ये बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। कई जिलों में लगातार बारिश पिछले कुछ दिनों से एमपी में हो रही है, जिससे लोगों को यहाँ पर भीषण गर्मी से राहत मिली हुई है। वही किसानों के लिए बारिश है जो राहत यहाँ पर दे रही है। वही मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान एमपी के जिन जिलों में जारी किया है चेतावनी, उन जिलों में यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी दी गई है इसमें कहा गया 18 जिले हैं जहाँ पर ये भारी बारिश यहाँ पर होने वाली है, यानी भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जिन 18 जिलों में यहाँ पर जारी की गई है उनमें यहाँ पर जिसमें भोपाल और नर्मदापुरम समेत 8 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जारी की है। वहीं प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं इंदौर में सुबह से रिमझिम बारिश का दौर यहां पर कल शुरू हुआ है। मौसम विशेषज्ञों ने 12 जुलाई तक यहां पर भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक इस वक्त प्रदेश में 2 वेदर सिस्टम एक्टिव है, वही जिससे प्रदेश के अंदर जो नमी है यहाँ पर वो आ रही है। 2 वेदर सिस्टम होने के कारण बंगाल की खाड़ी में एक वेदर सिस्टम एक्टिव है, दूसरा गुजरात के मध्य क्षेत्रों में सक्रिय है, जिससे यहाँ पर प्रदेश में पूरी तरह से यहाँ पर जो मानसून है वो एक्टिव है। वही समुद्री बादलों का डेरा भी एमपी में यहाँ पर बना हुआ है, जिससे आज कई जगहों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। वही आगर और मालवा जिले के नालखुड़ा में तेज बारिश से प्रसिद्ध माँ पागलमुखी का मंदिर पहुंचने वाले मार्ग सुबह से यहाँ पर बंद हो गया। कई इलाकों में जबरदस्त बारिश यहाँ पर होने के कारण ये जो लोगों को है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की, तो मौसम विभाग ने दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिलों के लिए भारी बारिश की आशंका जताई है। दरअसल मौसम विभाग द्वारा आज बस्तर संभाग के बीजापुर और बस्तर और दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं बालोद और कोडागांव और गरियाबंद जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं राजनाथगंज, गांव और धर्मत्री जिलों के लिए भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से ये येलो अलर्ट जारी किया गया, इन इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया। भाई आप बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ और एमपी के अंदर लगातार पिछले कुछ दिनों से जो मानसून है वो एक्टिव है, जिसके कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली हुई है। वही किसानों के लिए भी राहत बरस रही है, यानी अच्छी बारिश यहाँ पर हो रही है, जिससे किसान भी यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान राज्य के अंदर भी यहाँ पर तेज बरसात शुरू हो चुकी है। आज पूरे प्रदेश में होगी झमाझम बारिश। राजस्थान में मानसून फिर रंगत पकड़ रहा है। वह सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कई जिलों में शनिवार को जमकर बारिश हुई, इसके बाद रविवार को भी मानसून मेहरबान रहा।
वहीं सीकर व झुंझुनू सहित कई जिलों में आज तेज बरसात का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे कई इलाकों में यहाँ पर पानी भर गया, जलमग्न हो गया है। इस बीच मौसम विभाग के अंदर ने आज पूरे प्रदेश के लिए बारिश के आसार जताए। मौसम विभाग के अंदर के अनुसार आज अजमेर, भरतपुर और जयपुर, कोटा, उदयपुर, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के स्थानों पर भी बरसात होगी। इस संबंध में यहाँ पर येलो अलर्ट और कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वही मौसम विभाग के अंदर जयपुर के अनुसार आज प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के अजमेर, अलवर और बांसवाड़ा, भरतपुर और भीलवाड़ा, दूसरा धौलपुर, डूंगरपुर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर जिलों में हल्के से मध्यम तो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और सीकर जिले में भारी बरसात तथा पश्चिमी राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में भारी व बाड़मेर, जालौर, पाली और जोधपुर, नागौर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बारां, झालावाड़ और कोटा में भी यहाँ पर बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ गरज चमक के साथ भारी से अधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इधर लंबे इंतजार के बाद मानसून दो दिन से शेखावटी इलाके पर भी मेहरबान है, जहां शनिवार को और रविवार को यहां पर बारिश का दौर चला। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कुछ इलाकों में बारिश का दौर शुरू यानी जारी रहने की संभावना जताई गई है। वहीं कई इलाकों में लगातार जो मौसमी बदलाव है वो देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को यहाँ पर भीषण गर्मी से राहत मिली हुई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी जो है वो रंग दिखा रही थी, लेकिन अब बरसात होने के कारण गर्मी के तेवर जो है अब यहाँ पर हल्के होने लगे, यानी गर्मी जो है कम पड़ने लगी है। वही मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर कई इलाकों में जो चेतावनी है वो राजस्थान में जारी कर दी गई है। बात करते हैं अब गुजरात राज्य के मौसम अपडेट की, तो गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन हुआ है प्रभावित। गुजरात में साल भारी बारिश के चलते कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके चलते लोगों का जीना है वो दूभर हो चुका है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और गुजरात के लोग मौसम की ऐसी मार से त्रस्त है। वही बारिश की मार ऐसी कि शहर से मौसम कहर डा रहा है, वही सैलाब का बढ़ता सितम नाव तक यहाँ पर डूबा रहा है। मौसम विभाग की ओर से गुजरात के कई जिलों में यहाँ पर बारिश की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें गुजरात में लगातार कई इलाकों में बारिश से होने के कारण जो यहाँ पर लोग हैं काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मध्य गुजरात में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण पोडोली जो इलाका है वहाँ पर 20 इंच के करीब बारिश हुई है, जिससे कई मार्ग यहाँ पर, कई गांव है वो यहाँ पर टापू बन चुके हैं। दरअसल गुजरात के मध्य गुजरात समेत कई भागों में रविवार को जमकर बारिश हुई। सबसे पहले यहाँ पर छोटा उदयपुर और पंचमहल जिले में बारिश हुई। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक इस इलाके में यहाँ पर 20 इंच तक बारिश हुई है, जिसके कारण नदी नाले उफान मारने लगे। ज्यादातर इलाके जो है वो टापू बन गए, दुकानों और मकानों में पानी घुस गया। वही स्टेशन में बाढ़ के कारण पैदा हो गए। इसके अलावा वडोदरा हाईवे जो बडोली और वडोदरा हाईवे वो भी बंद कर दिया गया है, यानी ये बंद हो गया है। वही तेजी से कई रास्ते भी यहाँ पर बंद हो गए हैं। मौसम विभाग आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर गुजरात के कई इलाकों में बारिश की संभावना जाती है, जिसमें यहाँ पर छोटा उदयपुर है, पंचमहल, डांग, नर्मदा और नवसारी, भरूच, सूरत एवं तापी जिलों में भारी से अधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा अहमदाबाद, अरावली और आनंद, बनासकांठा, खेड़ा, महिसागर, महसाना, साबरकांठा और राजकोट, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही कुछ इलाकों में भारी तो कुछ इलाकों में अत्यधिक बारिश की चेतावनी, जो अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है वो यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर चेतावनी है वो यहाँ पर दी गई है। बात अब करते हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मौसम अपडेट की, तो यूपी में भी यहाँ पर लखनऊ समेत कई जिलों में भीषण उमस का दौर जारी है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से राहत भरी खबर निकल गई। दरअसल मानसून सीजन के बावजूद राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिले अब भी यहाँ पर बारिश से छूते हैं। वही उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हुए। वही मौसम विभाग ने पहले जो भविष्यवाणी की थी वह भी असफल साबित हुई है। वही मानसून की बेरुखी की वजह से किसान जो यूपी के है वो बेहाल है, जिसकी वजह से कृषि विभाग ने भी अब एडवाइजरी जारी कर दी। इधर उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले 24 घंटों में बारिश की फुहारें भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिला सकती है। वहीं असर महीना अब खत्म होने को है और सावन महीना की शुरुआत होने वाली है, बावजूद इसके बारिश जो होनी चाहिए अभी तक यूपी में रही हुई। वही मानसून प्रदेश में एंट्री के बाद सुस्त रफ्तार से यहाँ पर चल रहा है, जिससे किसानों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ने लगी है। वही मौसम विभाग की ओर से आज कुछ इलाकों में छटपुट बारिश हो सकती है, छटपुट बारिश होने की यहाँ पर संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से ये अपडेट यहाँ पर दिया गया है। वही यूपी में यहाँ पर तेज धूप और उमस से गर्मी का प्रकोप बढ़ा हुआ है, जिसके कारण लोग जो है यहाँ पर इस बार किसान है जो बहुत यूपी के यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं। बात अब कर लेते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो बिहार में भी लगातार जो उमस और गर्मी का दौर है वो जारी है। बारिश को लेकर भी यहाँ पर बिहार में कुछ एक इलाकों में यहाँ पर बारिश की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है। सर मानसून ने यहाँ पर ब्रेक ले लिया, मौसम में बदलाव के कारण लोग जो है वो यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं।
वहीं बिहार में यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर अभी जो भीषण गर्मी का दौर है वो जारी है, जिसके कारण मौसम विभाग ने यहाँ पर बारिश की संभावना यहाँ पर जताई है। दरअसल बिहार के कई इलाकों में यहाँ पर जो यहाँ पर सूरज है उसकी तपिश बढ़ने लगी है, जिसके कारण जो मानसूनी बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। वही मतलब उमस भरी गर्मी से बिहार के लोगों को यहाँ पर फिलहाल राहत नहीं मिल रही है, तेज धूप यहाँ पर चल रही है। बात करते हैं अब झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की, तो झारखंड में भी ऐसा ही यहाँ पर हाल दिख रहा है। दरअसल झारखंड में भी यहाँ पर कुछ एक इलाकों में कल जो मौसम है वो बिल्कुल साफ रहा, वहीं उमस भरी गर्मी से लोग झारखंड के अंदर भी परेशान रहे। वहीं मौसम विभाग ने झारखंड को लेकर भी यहाँ पर कहा है कि इस बार जो बारिश है वो यहाँ पर कम हुई है, जिसके कारण लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। एक दो दिनों में यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की संभावना झारखंड के अंदर जरूर यहाँ पर जताई गई है। दरअसल झारखंड में जो है मानसून है वो यहाँ पर पहले एक्टिव हुआ था, लेकिन बारिश कम हुई थी। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि अगले यहाँ पर 24 घंटों के दौरान कुछ एक इलाकों में बर्फबारी की आशंका है, बारिश भी हो सकती है। इस दौरान कुछ जगह पर तेज हवा चलेगी। राज्य मौसम विभाग के अंदर तत्कालिक अलर्ट जारी कर जानकारी दी है। वही मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में यहाँ पर अगले यहाँ पर 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बोकारो, धनबाद, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि और सिंहभूम और इसके अलावा खूंटी, रामगढ़ और रांची, सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा और देवघर, गेडाही, गुमला, जामताड़ा, लातेहार और लोहरदगा और देवघर और इन जिलों में यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना भी यहाँ पर चल रही है। कुल मिलाकर झारखंड के लोगों को भी अब राहत मिलने वाली है।